ऋतिक मिहिर और ऋतिका से बात कर ही रहा था तभी पीछे से समर आया और उसने मिहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या भाई आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, वो देखिए सामने से मेरी इतनी प्यारी सी भाभी चलकर आ रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? समर ने जैसे ही इतना बोला मिहिर ने गेट की तरफ देखा और आलिया अपने बालों को ठीक करते हुए ब्लू ड्रेस और हाई हील्स में सीधे उसकी तरफ आ रही थी। आलिया देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर मिहिर आलिया को एक टक देखता ही रह गया। तभी समर ने मिहिर के कंधे को थपथपाते हुए कहा, भाई कम से कम अपना मुंह तो बंद कर लीजिए, जो भाभी को देखकर खुला का खुला ही रह गया। मिहिर ने जैसे ही समर की बात सुनी, मिहिर ने समर को आंखें दिखाई और समर ने चुपचाप अपना हाथ मिहिर के कंधे से हटा लिया। आलिया मिहिर के बगल में आकर खड़ी हुई और ऋतिक से बातें करने लगी। तभी समर आलिया से बोला, भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि अपने जैसी ही कोई लड़की मेरे लिए भी ढूंढिए ना, कब आप मेरे लिए अपने जैसी लड़की ढूंढेंगी? आखिर आपका ये प्यारा सा देवर कब तक सिंगल रहेगा, बताइए ना। मिहिर ने समर को आंखें दिखाई और समर आलिया के पीछे छुपकर बोला, मिहिर भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज अब तो आप मुझे डराना बंद करो, और वैसे भी ये मेरी और भाभी की पर्सनल बात है, आप मुझे इस तरह से घूर कर मत देखो, ठीक है? आलिया ने समर की बात सुनकर कहा, हाँ हाँ मुझे याद है तुम्हारी बात समर, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे जैसी ही कोई अच्छी लड़की दिखेगी मैं तुम्हारी उससे जरूर बात करवाऊंगी, ओके? समर ने जैसे ही आलिया की बात सुनी उसने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मिहिर अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था तभी देविका सहाय हॉल में आई। जैसे ही मिहिर को उसने देखा वो एक टक मिहिर को देखती रह गई। मिहिर ने देविका से कितनी भी क्लियरली सारी बातें बोल दी हो, लेकिन देविका आज भी मिहिर से बहुत प्यार करती है। उसके दिल में मिहिर के लिए अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है, जो ना चाहते हुए भी देविका के चेहरे पर साफ नजर आ जाता है। देविका कुछ दूर पर ही खड़ी थी तभी आलिया की नजर देविका पर पड़ी और देविका को देखकर आलिया ने मिहिर की तरफ देखा और इशारे से उसे देविका की तरफ देखने के लिए कहा। मिहिर ने जैसे ही देविका को देखा आलिया ने मिहिर के कान में कहा, जाओ जाकर देविका को यहां बुला लाओ, वो बेचारी इतनी देर से वहां पर अकेली खड़ी है। मिहिर आलिया की बात मानकर देविका के पास गया और उसने देविका को ऋतिक और ऋतिका से मिलाया। देविका ने जैसे ही आलिया को देखा देविका ने मुस्कुराते हुए आलिया से कहा, हेलो आलिया कैसी हो? आलिया ने कहा, बहुत अच्छी हूं, तुम बताओ और तुम इतनी देर से वहां पर अकेले क्यों खड़ी थी? समर जो काफी देर से देविका को देख रहा था उसने देविका के आगे अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो मेरा नाम समर है। देविका ने समर की तरफ देखा और समर से बिना हैंडशेक करते हुए कहा, मेरा नाम देविका है। इतना बोलकर देविका आलिया से बातें करने लग गई। समर ने देविका को देखकर अपने मन में कहा, मैं तो सोच रहा था थोड़ी बहुत बातें करूंगा, लेकिन ये मिस देविका तो मुझमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही। मिहिर को उसके डैड ने बुलाया और वहां खड़े सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहा, मैं आप सभी को अपने बेटे से मिलाना चाहता हूं, ये मिहिर है मेरा बेटा, काफी सालों बाद ये वापस घर आया है और आज की सारी तैयारियां भी मिहिर ने ही की हैं। मिस्टर बिष्ट ने जैसे ही मिहिर को इंट्रोड्यूस किया वहां खड़े सभी लोग मिहिर को देखकर आपस में बातें करने लगे। अच्छा तो ये है मिस्टर बिष्ट का बेटा, हाँ सुना है काफी सालों बाद ये वापस अपने घर आया है, मैंने तो ये भी सुना है ये काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। हाँ टैलेंटेड होगा भी क्यों नहीं, सबसे अमीर फैमिली से जो बिलोंग करता है। वहां खड़े सभी लोग मिहिर के लिए कुछ ना कुछ बोल रहे थे, कुछ जो काफी ज्यादा खुश थे और वहीं कुछ जो मिहिर से काफी ज्यादा जल भी रहे थे। लेकिन मिहिर ने सभी के साथ काफी अच्छा बिहेव किया और मिहिर ने अपने सभी दोस्तों के साथ ड्रिंक्स वगैरह की और सबने एक साथ खाना खाया। धीरे धीरे करके मीटिंग अच्छी तरह से हो गई और सभी लोग अपने घर वापस जाने लगे। सबसे पहले परिवार के बुजुर्ग मेंबर्स जो मीटिंग करने के लिए ही आए थे, उन्होंने जैसे ही मीटिंग खत्म की और कुछ देर साथ में टाइम बिताया, सबसे पहले वही लोग हॉल से बाहर निकले। मिहिर ने सभी को काफी रिस्पेक्टफुली विदा किया और फिर मिहिर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगा। हंसी मजाक करते करते काफी ज्यादा टाइम हो गया और धीरे धीरे करके मिहिर के सारे फ्रेंड्स भी चले गए। आलिया ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, चलो मिहिर हम भी घर चलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है और मैं तो काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूं। मिहिर ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार थक तो मैं भी गया हूं, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, तुम एक काम करो तुम श्याम अंकल के साथ घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आलिया ने मिहिर की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और आलिया हॉल से सीधा घर चली गई। मिहिर भी कुछ देर वहां रुका और जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए तो मिहिर सबसे लास्ट में हॉल से बाहर निकला। मिहिर जब हॉल से निकला तो लगभग 12:30 बज चुके थे
और मिहिर इतनी ठंडी रात में अकेले सड़क पर अपनी कार से घर की तरफ जा रहा था। मिहिर ने कार ड्राइव करते हुए हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, क्या यार, काफी ज्यादा थक गया हूं, जल्दी से घर पहुंचकर आराम करूंगा। मिहिर ने कार में ही एक दो बार जमाई ली और मिहिर के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो सुबह से ही पार्टी की तैयारियों में बिजी था। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट में मिहिर को अपनी कार के सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। मिहिर की कार की हेडलाइट जैसे ही उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, मिहिर ने तुरंत ब्रेक लगाया। मिहिर ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कोई भूत तो हो नहीं सकता, जरूर किसी को मरने का शौक लगा है, इसीलिए मेरी कार के सामने आकर खड़ा हो गया है। मिहिर उस आदमी को गौर से देख रहा था। तभी उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया और मिहिर को कार से बाहर निकलने का इशारा किया। मिहिर ने पहले तो उस आदमी को घूर कर देखा, लेकिन जब उस आदमी ने मिहिर को बाहर बुलाया तो मिहिर तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और मिहिर ने उस आदमी को गौर से देखा। वो आदमी दिखने में लगभग 60 साल का लग रहा था। उस आदमी को देखकर मिहिर ने अपने मन में सोचा, ये इतना बुजुर्ग आदमी मेरी कार के सामने आकर मुझे ही कार से बाहर निकलने के लिए क्यों बोल रहा है, कौन है ये? वो आदमी भी मिहिर को उसी तरह से घूर कर देख रहा था। तभी मिहिर ने तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम और इस तरह से मेरी कार के सामने आकर मुझे इस तरह रोकने का तुम्हारा क्या मतलब है? मिहिर ने जैसे ही पूछा, उस आदमी ने बिना कुछ छिपाए तुरंत अपनी आइडेंटिटी बताई और कहा, मेरा नाम तरुण सिंह है, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, याद तो है ना तुम्हें यह नाम? उस आदमी की यह बात बोलते ही मिहिर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और जोश नजर आ रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वो अपना अलग ही मकसद लेकर यहां पर आया है। वो दुबला पतला 60 साल की उम्र का आदमी जिसने लंबे समय से मार्शल आर्ट करी है और सीखी है। मिहिर ने तुरंत उस आदमी की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और कहा, हां मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आपका नाम तो मैंने काफी सुना था आपके स्टूडेंट्स के मुंह से, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको मुझसे क्या काम है और आप यहां पर क्यों आए हैं? मिहिर को इतना तो समझ में आ गया था कि अगर वो आदमी इस तरीके से उससे कार रुकवा कर सामने खड़ा है तो जरूर कुछ तो अलग बात होगी, लेकिन मिहिर को अभी कुछ भी समझ नहीं आया। मिस्टर तरुण ने कहा, मिस्टर मिहिर, वैभव ने बताया कि आपने उसे किस तरह से इतनी जल्दी अपनी मार्शल आर्ट स्किल से हरा दिया, एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे लिए काफी डिसरेस्पेक्टफुल हुआ और मैं तो इसे भूल ही नहीं सकता, इसलिए मैं आज यहां पर हूं, आपको याद तो है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मिहिर ने तरुण की बात सुनी और उसकी बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जब तरुण ने देखा कि मिहिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो तरुण मिहिर को घूर कर देखने लगा और मिहिर ने कहा, आई होप आपके स्टूडेंट्स ने आपको पूरी स्टोरी बताई होगी, तो फिर आप यहां पर आकर मेरा और अपना दोनों का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तरुण ने मिहिर को घूर कर देखते हुए कहा, मैं यहां पर कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि जिसने मेरे स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी हरा दिया आखिर उसकी फाइटिंग स्किल्स कैसी है। भले ही तुम मेरे स्टूडेंट्स को हरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स हारे हैं तो इसमें मेरी बेइज्जती हुई है। मैं इतने सालों से मार्शल आर्ट और फाइटिंग सीख रहा हूं, मैं अपनी डिसरेस्पेक्ट नहीं सहन करूंगा। मिहिर मिस्टर तरुण की बात सुनकर उन्हें अजीब तरह से घूर कर देखता है और मिहिर ने पूछा, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं मिस्टर तरुण? तरुण ने, जो उतनी देर से मिहिर के इसी सवाल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जैसे ही मिहिर ने पूछा, तरुण ने झट से बोला, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, चलो मेरे साथ फाइट करो और मुझे हरा कर दिखाओ। मुझे अपने स्टूडेंट्स की बात पर यकीन नहीं हुआ, मैं नहीं मान सकता कि कोई इतना ज्यादा फाइटिंग में अच्छा कैसे हो सकता है। मिहिर ने जैसे ही मिस्टर तरुण की बात सुनी, मिहिर ने ना में अपना सिर हिलाते हुए मन में कहा, यह कैसा बेतुका रीजन दिया, खुद ही मुझे चैलेंज कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इनके स्टूडेंट्स मुझसे हार गए, ये कैसा लॉजिक लगाया है मिस्टर तरुण ने? मिहिर को इतना तो समझ में आ गया था कि मिस्टर तरुण अभी तक किसी अच्छे फाइटर से जल्दी नहीं मिले हैं और मिहिर एक बहुत अच्छा फाइटर है। मिहिर जानता था कि वो अगर अपनी स्किल यूज करेगा तो आराम से मिस्टर तरुण को हरा देगा, लेकिन मिहिर ने सोचा, मैंने इनके स्टूडेंट्स को हराया है तब इनको इतना बुरा लगा है, और अगर कहीं मैंने इनको भी हरा दिया तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। मिहिर ने इतना सोचकर ना में सिर हिलाया और मिस्टर तरुण की तरफ देखकर कहा,
सॉरी मिस्टर तरुण, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपके साथ फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने स्टूडेंट्स की तरह ही मुझसे हार जाएं। अगर आप हार गए तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगेगा, और मैं इतना काइंड हूं नहीं कि आपको खुश करने के लिए जानबूझकर हार जाऊं, इसलिए प्लीज आप जहां से भी आए हैं वहीं वापस लौट जाइए। मिहिर की बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए उसने कहा, मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमसे बिना फाइट किए तो यहां से नहीं जाने वाला, और तुम मेरी हार की चिंता छोड़ दो, जल्दी से मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास चैलेंज एक्सेप्ट ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मिहिर ने मुस्कुराते हुए मिस्टर तरुण से कहा, मैं आपको वार्न कर दूं मिस्टर तरुण, आप इतने बूढ़े हैं, अगर आपको मेरे साथ फाइट करते हुए कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, या आप सीरियसली इंजर्ड हो गए, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं 60 साल के बूढ़े आदमी के साथ फाइट करना नहीं चाहता, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए बड़े ही प्यार से बोल रहा हूं, प्लीज आप वापस लौट जाइए। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।